नमस्कार, मैं आज एक गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से और सभी उन लोगों से जो मदद में आगे आना चाहते हैं। हमने देखा है कि इस कोरोना की इस वेव के अंदर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे परिवार वालों ने बहुत कीमती सदस्य खोए हैं। बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए, किसी ने अपनी माँ खो दिए दो दिन पहले और दो दिन बाद उनके फादर नहीं रहे, कईयों के तो दोनों माँ बाप नहीं रहे और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 8 साल का। मैं हमेशा सोचता हूं कि इनके फ्यूचर का क्या होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो भी इंस्टीट्यूट जो मदद करती हैं, आगे आती हैं, कि एक रूल बनना चाहिए कि इस कोविड के दौरान जिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, उन बच्चों की पूरी पढ़ाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, चाहे वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी स्तर पर पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उनकी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ये एक रूल बनाना चाहिए ताकि वो परिवारों के, वो बच्चे जिन्होंने कोविड के अंदर अपने माँ बाप को खोया है, वो अपना फ्यूचर जो है सेव कर सके। और कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स जरूर निकलने चाहिए कि जिन परिवारों ने ब्रेड विनर्स जो हैं वो खो दिए हैं, जो कमाई करने वाले जो लोग हैं उनके नहीं रहे, हम एक ऐसा एक सिस्टम बनाए, एक ऐसा रूल बनाए ताकि उन परिवारों की आगे जो जिंदगी है चल सके। खासकर कोविड के अंदर जो लोगों ने परिवार वाले खोए हैं उनके लिए रूल बनने बहुत जरूरी हैं। आई थिंक मैं दरख्वास्त करूंगा सब लोगों से, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो इनकी आवाज के अंदर वो ताकत है, प्लीज आगे आएं और ये आवाज जरूर उठाएं ताकि हमारे देश में जिन लोगों ने अपने परिवार वाले खोए हैं उन्हें अपना जो भविष्य है वो अंधकार में न लगे। थैंक यू सो मच।